पर सबसे जो प्यारा भाव था करने में मुझे बहुत आनंद आया था वो था श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में मतलब पारितोष भी है उसमें, मैंने किन्नर तरुण किया बाबा माई का, वो बड़े ना बड़ी क्लोज है इसलिए वो ना फिल्म की पहली। बाकी पारितोष बताएंगे आप नहीं आपने कहा कि विच वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी, ऑल स्टोरीज आर रियली स्पेशल स्टोरीज, तभी तो ये यही नौ कहानियाँ चुनी गई, वरना नौ रसों की और भी कहानियाँ हो सकती हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि प्रवीण जी की ये सोच है, ये सोच इतनी स्ट्रॉन्ग है जो सोसाइटी के लिए, एक होता ना कि एंटरटेनिंग फिल्म, एंगेजिंग फिल्म, ये ज़रूरी फिल्म, ये ज़रूरी फिल्म है फॉर दिस सोसाइटी, पूरे हिंदुस्तान के लिए शुद्ध प्योर भारत की मिट्टी की फिल्म है, शुद्ध प्योर हमारे आसपास की कहानियों की फिल्म है। जिस कहानी में मैं हिस्सा बना हूँ उसे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, बाकी कहानियाँ मैंने भी देखी नहीं, मेरे लिए भी सरप्राइज है, बहुत रिलेटेबल स्टोरीज हैं। इसमें बच्चे की बात हो रही है, इसमें डाइवोर्स की बात हो रही है, इसमें बलिदान की बात हो रही है, इसमें एक ह्यूमन बेसिक ह्यूमन इमोशंस की बात हो रही है, जलन की बात हो रही है, ये सब हमारे भीतर है, तो आप किसी न किसी स्टोरी से बहुत रिलेट करें। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? और यू नो वी हैव स्टार्टेड यू नो वाचिंग यू ऑन अ डिफरेंट अवतार, आई वुड से रेदर यू नो व्हाट वी हैव सीन यू सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स इन द इंडस्ट्री, नाउ इट स्टार्टेड विद लूडो एंड यू गोइंग यू नो दिस इज अनदर थिंग यू आर डूइंग, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन इट? इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्ले दैट कैरेक्टर, दैट इज वेरी ट्रिकी कैरेक्टर, वो प्यारा लगते लगते कब हरामी निकल जाता है पता नहीं चलता है, तो वो बहुत थिन लाइन थी, अभी स्टोरी रिवील नहीं कर सकते, बट और इनके साथ परफॉर्म करना, हमने भी साथ में कॉमेडी की है इससे पहले, हमने टीवी शोज किए हैं, तो पर इन्होंने जैसे ब्रीफ किया, और वैसे तो किसी से जलन नहीं होती पर इस आदमी से हो रही है, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर सारे इन्होंने किए हैं, नौ कहानियाँ हमारी वाली कहानी में इन्होंने यूनिक का कैरेक्टर किया है और बहुत कमाल है, हमारे इनके बहुत सारे सीक्वेंसेज हैं साथ में, वो बहुत अच्छे से निकल गया है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि ऐसा मैंने कभी कैरेक्टर किया नहीं है। क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटी जब मैं बात करता हूँ आपके बैकग्राउंड की, नो वी नो यू कम फ्रॉम आई नो अ लेजेंड बैकग्राउंड, क्या पॉसिबिलिटी है यू टेकिंग इट टू सम शोज ऑल्सो? कपिल का शो अब अलग लेवल पे पहुँच गया है, क्या पॉसिबिलिटी है आप एज ए गेस्ट वहाँ पहुँचे फिल्म को प्रमोट करने के लिए? डेफिनेटली ट्राई, वी वुड लव टू गो देयर, हमें लोग आमंत्रित करें, हमें लोग बुला रहे हैं, पूरा भारत भ्रमण पर निकले हैं, जहाँ जहाँ स्वागत किया जा रहा है वहाँ जा रहे हैं, डेफिनेटली हमें लगता है हमारी टीवी इंडस्ट्री हमारी अपनी है, हमने कुछ 15 साल मैंने दिए हैं, इन्होंने 27 साल दिए हैं, तो हमें बहुत ढंग से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं यार, जो ट्रेलर इन्होंने डाला है अपने चैनल, तो उसे आप नीचे कमेंट पढ़े, एक भी बुरा कमेंट नहीं है, तो चाहे एक नॉर्मल ऑडियंस हो से लेके चाहे हमारे अपने दोस्त हैं, सब ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। क्या आप रिस्पॉन्डिंग रिलीफ, क्या आपको नहीं लगता कि यू नो बिफोर स्टिल वी आर गेटिंग गुड न्यूज? मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे जो फेस्टिवल्स में चल रही थी, जब हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, संजय भाई भी थे वहाँ पर, तो उस स्क्रीनिंग पे जो मतलब एक धक्का मिला मुझे ऑडियंस का, मुझे तो देश की फिल्म है और देश पुकार रहा है कि मतलब ये देश की कहानी चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म का सर आपको पता है बहुत कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी जंग लड़नी पड़ती है हमें, और मेरे पास ऐसा सक्षम आइडिया था नहीं कि मतलब मैं बहुत सारे होर्डिंग लगाऊँ वो लगाऊँ, मेरा ये था कि देश की फिल्म है, देश ने मुझे 58 अवार्ड दिए हैं, मैं देश के साथ निकलूंगा, देश को बताऊंगा कि हम आ रहे हैं 18 अक्टूबर को, और जो हमने यात्रा तय की कश्मीर से कन्याकुमारी की जो तय कर रहे हैं, और आज 24वें दिन जब हम मुंबई में पहुँचे, सर आप मानेंगे कि इतना प्यार मिल रहा है भारत का, इतना प्यार मिल रहा है देश का, कल ही की स्टोरी में हम सूरत में थे, वहाँ पे मतलब कुछ किन्नर बहनें मिली, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा हाँ तेरे जैसे सूरत अगर सबको जाना तो हमें सड़क पर ना चले, हम जीत गए, मतलब सिर्फ पैसा कमाना मेरा मकसद है, मेरा मकसद है कि जेनुइनली जो ये समाज की नौ कुरीतियाँ हैं उनसे जेनुइनली हमारे समाज में परिवर्तन आए, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप ना हो, हमारा डाइवोर्स ना हो, क्योंकि डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चे का होता है, और डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, मेरी नज़र में वो आदमी जो औरत पे हाथ उठाता है वो नपुंसक है, उस नपुंसकता को ठीक करने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे आज से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, वो फुर्सत के लम्हे लुप्त होते जा रहे हैं, परिवार में मतलब लोग बैठना बंद कर दिया है, तो हमारी ये जो नौ कहानियाँ हैं उन नौ सामाजिक कुरीतियों को अंत करने का एक प्रयास है, और उस प्रयास में पूरा भारत साथ दे रहा है, पूरा भारत आशीर्वाद दे रहा है, तो यही एक प्रयास है कि हमारा यूथ यस में बिलीव करे, मैं भी यस में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि 18 अक्टूबर तक इतिहास रचेंगे और मिरेकल होगा, है ना परितोष? परितोष ड्यूट को वही कर रहे हैं, आपके माध्यम से वही अपील कर रहे हैं, और जो पोस्टर पे आपने देखा वो सबको इन्वाइट किया गया है, और ये सिनेमा के हित में है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए बहुत मुश्किल, आप लोग आए दिन इंट्रोड्यूस करते हैं,
सारी बड़ी बड़ी पार्टी में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। इस इन हालातों में अगर एक आदमी ने फिल्म बनाई है तो ये इसका रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए कि हम टैक्स नहीं देते। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिनकी फिल्म है उन तक तो पहुँचे आसानी से, जिनके लिए बनी है पता चला भाई नहीं देखते, तो उन तक पहुँचे हम ये चाहते हैं। और अच्छे लेवल पे रिलीज है 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को आप ज़रूर देखिए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, और दूर के हो तो है ना। आखिरी मेरा आखिरी दो सवाल है जी सर, हम लोग 17 को प्लानिंग कर रहे हैं, 18 हमें रिलीजिंग है तो 17 को हम इनवाइट तो सबको करेंगे और सब आए तो बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है सर, ये जो ये प्रयास किया गया, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई फिल्म मेकर कश्मीर से कन्याकुमारी से जा रहा है और लिटरली सड़क पे उतर के मैं ऐसे होर्डिंग लेके खड़ा जाता हूँ जहाँ लोग दिखते हैं, लोग आते हैं पढ़ते हैं फिर मैं उनको बताता हूँ। हम इंदौर पहुँचे आ रहे हैं, आप वही है ना जो होर्डिंग लेके खड़े रहते हैं। तो देश का जो प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं ये टैलेंट का एक जो रेत है ना हमारे समुद्र पास में, उसका एक रेत का छोटा सा दाना हूँ। मैंने जो एक साल फेस्टिवल में जो देखा है टैलेंट, इतना टैलेंट है सर, इतना टैलेंट है। हमारी इस कोशिश से 18 अक्टूबर को बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को हौसला मिलेगा और वो भी मतलब अपना सिनेमा आपके पास लेके आएंगे, और जो देश हमारी फिल्म को देखने आएगा, हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिन्होंने जेन्युइनली अच्छी फिल्म बनाई है, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि रेप ना हो, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, हमारा यूथ यस में बिलीव करे, तो जब देश हमें वो सपोर्ट करेगा ना, तो आने वाले 2025 में आप देखिएगा कितना सारा टैलेंट आपके सामने इन्हीं कैमरों के सामने खड़ा होगा और अपनी कहानियाँ लेकर आएगा। तो हमारा ये प्रयास है कि जेन्युइनली नए टैलेंट को सपोर्ट मिले और वो कहानियाँ लेके आप लोगों के सामने आए। थैंक यू सो मच।